नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा शहर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत गृहगांव में ग्रामोदय कोचिंग सेंटर निशुल्क कोचिंग सेंटर में सातवां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। हमारे संवाददाता के साथ देखे ये रिपोर्ट। रोते मुँह को धोके रोजनाथ भोजना कर खाना खा कर पढ़ने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हमारे गांव से ही गांव से पढ़कर नायब तहसीलदार तक बने हैं, इनके लिए बहुत जोर जोर तालियां। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अभी बहरीन में कार्यरत हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। और यहाँ पर गुरे गांव में हम लोग पिछले 7 सालों से, जब से हमारी जॉब लगी, तो हमने ग्राम गुरे हो गया, दिल्ली NCR में हम लोगों ने 4 सेंटर अभी चल रहे हैं हम लोगों के, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने का कार्य है वो कर रहे हैं लगातार। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था और कहाँ पर? ये गुरे ग्राम गुरे है, बांदा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश में। और ये यहाँ पर हम लोग लगातार हर वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो आज ये 7वां साल है, तो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाया जाता है, 2 घंटे लगातार 7 सालों से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ के बच्चे नवोदय भी बच्चे क्रॉस किए हैं, और जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में, उनके लिए हम बांदा में व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला है IIT का, उसका कोर्स लेके हमने बच्चों को दिया हुआ है, वो बच्चे वहाँ की तैयारी कर रहे हैं उससे। कहाँ कहाँ के सेंटर चल रहे हैं अभी इस समय पर? अगर हम उत्तर प्रदेश यहाँ की बात करें बांदा की, तो हमारा ग्राम गुरेह है, भज्जू का पुरवा है, और बांदा में कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के लिए है, और तिंदवारा गांव में है। क्या किसी संस्था या संगठन या जब हमारी जॉब लगी, हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया, सर्वजन हिताय वेलफेयर सोसाइटी। तो इसमें हमारे 4-5 दोस्त हैं, तो हम अब उसमें से कीर्तेश तिवारी हो गया, मैं हूँ, विष्णुकांत बादल है, और हमारे जो साथी हैं, जो हम लोग आपस में पैसा, जो सैलरी का पैसा है वो कलेक्ट करते हैं हर महीने, और हम शिक्षकों को जो थोड़ा बहुत सहयोग राशि है या जिस तरह के कार्यक्रम है, मिलजुल के हम लोग करते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे यहाँ? अभी हम लोग 800 से ज़्यादा बच्चों को अलग अलग जगह पर टीच कर रहे हैं। इस सेंटर पर 250 बच्चे हैं हमारे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब ये एक बड़ी कहानी है, बट जब मैं जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद से मैंने जो विजयनगर एरिया था, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके मैंने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया, केक काटा, बच्चों को टॉफियाँ बांटी। अगले सप्ताह से हम लोगों ने वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य स्टार्ट किया। तो जब मैंने पढ़ा कि आप लोग क्या कर सकते हैं समाज के लिए, सब लोग अपने अपने तरीके से समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि हमारे गाँव बहुत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, और हम शिक्षा के माध्यम से ही गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, और पूरा देश को शिक्षित करना हम लोगों की ज़रूरत है। तो ये अगर मेरी बात हमारे दूसरे साथी जुड़े जो सुने, तो ये समझें कि हमारी भी समाज के प्रति कुछ जो हमारी कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए, तो हम उस कर्तव्य को करते हुए कि हम अपने गाँव के लिए क्या कर सकते हैं, वो हम कार्य कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने भारत देश के लिए। बाबा साहब के लिखी हुई बुक पर अर्पण करके किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं?